आज है सोल में हमारा पहला दिन और हमारा स्वागत हुआ है बारिश और ठंडे ठंडे मौसम से। अभी निकलना है सोल घूमने के लिए, लेकिन आज पूरे दिन बारिश का ही प्रेडिक्शन है, तो आउटडोर कुछ कर नहीं पाएंगे। जो भी सोल पास कल मैंने आपको दिखाया था उसमें जो जो इंक्लूडेड एक्टिविटीज़ हैं इंडोर, पहले उसको करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं अपनी सोल में और करते हैं कुछ इंडोर एक्टिविटीज़। ऐसा लग रहा है कि सबवे स्टेशन तक यहाँ से कवर्ड ही वॉकवे है। मेट्रो भी हो, सही हो, मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा गलत निकला। पूरा ही कवर्ड नहीं है, कवर्ड रास्ता यहीं पे ख़त्म होता है। अभी स्टेशन मुझे पूछना है कि किधर से जाना है यहाँ पे। वैसे ठंडी है यहाँ पे 14-15 डिग्री, लेकिन अन्नी मैडम ने पहनने की ज़रूरत नहीं महसूस की कोई स्वेटर पहने। टूटी फूटी अंग्रेजी में लोग बता पा रहे हैं कि किधर जाना है स्टेशन के लिए। सबवे बोलना, सबवे, मेट्रो नहीं, स्टेशन नहीं, सबवे। ये भी कोई होटल है, होटल कुकड़ो, होटल कुकड़ो। कुकड़ मतलब होता है मुर्गा पंजाबी में, कुकड़ो है ये। सामने स्टेशन दिख रहा है, ये है UL04 का स्टेशन। बहुत नज़दीक है यार, उतर से मुश्किल से 3 मिनट की वॉक रही होगी। अंदर चलते हैं, ट्रेन पकड़ के चलते हैं लौटे हुए। ये है UL04 का मेट्रो स्टेशन। चार मतलब हिंदी में चार, अंग्रेजी में 4 का, और कोरियन में कुछ और ही प्रोनाउंसिएट कर रहे थे। हम लोग हैं यहाँ पे और हमें जा रहे हैं यहाँ। ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो गया, ट्रेन आ रही है, ट्रेन में बैठ के चलते हैं। जो होटल वाले ने छाता दिया था उसकी हालत बहुत ख़राब थी, थोड़ा सा हवा का झोंका है, 2 छाते ढह गए। मिनट की मेट्रो राइड करके हम लोग पहुँच गए चमसील, बोलते हैं जे लिखते हैं, चमसील मेट्रो स्टेशन। यहाँ से भी जाना है हम लोगों को लॉटे वर्ल्ड। देखते हैं एग्जिट कौन सा लेना है लॉटे वर्ल्ड जाने के लिए। यहाँ पे पता चला कि लॉटे वर्ल्ड जाने के लिए एग्जिट 3 लेना होगा। चलते हैं एग्जिट 3-4 की तरफ। मेट्रो स्टेशन के ऊपर पूरा मॉल ही बना हुआ है, माहौल भी और मॉल भी। सबवे स्टेशन, सबवे बोलना सीखना पड़ेगा। इट्स नॉट मेट्रो, इट्स सबवे। अगर आप सोल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रोम जाने की ज़रूरत नहीं है। जो रोम का ट्रेवी फाउंटेन है वो यहाँ पर ही बना रखा है, लॉटे मार्ट के बाहर, चैंसिल स्टेशन के ऊपर, और पूरा शहर ही है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बाहर कसके बारिश हो रही है, अंदर आपका पूरा दिन बीत जाएगा आराम के साथ। ये है इतना बड़ा सा मॉल जिसके अंदर से रास्ता है लॉटे वर्ल्ड जाने का। एक गेट जाता है साउथ गेट की तरफ और ये है मेन गेट का रास्ता। तो हम लोग चलते हैं, मैंने अभी पीछे बोला था कि साउथ गेट है वहाँ से नहीं जाते, मेन गेट से चलते हैं, क्योंकि हमें ये एक्सचेंज करना है और ये साउथ गेट पे एक्सचेंज होता है। तो वापस घूम के मैं साउथ गेट की तरफ जा रहा हूँ लॉटे वर्ल्ड में एंट्री के लिए। अगर आप भी सोल पास लेके आ रहे हैं तो उधर मत जाइएगा, साउथ गेट पर आइएगा। वाइल्ड टूर गेट नाम है इसका, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ये बेसिकली वाइल्ड गेट, अगर आपने क्लूक वगैरह से टिकट ली तो भी आप यहाँ पे ही चेंज करेंगे। पार्क का टिकट ले रहे हैं तो 60,000 वॉन का है एक दिन का, और सोल पास के साथ फ्री। तो अपने आप ही अगर इस अट्रैक्शन को आप विज़िट करते हैं लॉटे वर्ल्ड को ही, तो आपका जो सोल पास का पैसा है वो वसूल हो जाता है। ये ऐसा टिकट मिल जाएगा आपको एक्सचेंज करके सोल पास के साथ, है ना, बढ़िया आइटम डिस्कवर सोल पास। चलो देखते हैं लॉटे वर्ल्ड में क्या क्या है इंडोर एक्टिविटीज। एक्चुअली काफ़ी बड़ा इंडोर थीम वाकई है, दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट। थैंक यू। यहाँ पे ई कार्ड स्कैन हो गया साउथ गेट में और हमें एंट्री मिल गई है वाइल्ड टूर्स। पहली राइड है वाइल्ड वैली, चल के देखते हैं।
क्या होता है वाइल्ड वैली में, माहौल काफ़ी वाइल्ड है। पीछे भी हम लोगों ने राइड की वाइल्ड वैली, ऐसी राइड न भूतों न भवंती राइड थी, बहुत ही मज़ा आया, गजब था एकदम, मतलब इतना इमर्सिव था, कोरियन में बोल रहे थे फिर भी समझने की जरूरत ही नहीं, इट वाज सो फन। जो भी था लैंग्वेज का मुझे फर्क पड़ नहीं, मुझे जापानीज कोरियन दोनों समझ में नहीं आती, मेरे लिए एक बराबर है। टोटली अमेजिंग एक्सपीरियंस, अगर आप लौटे वर्ल्ड में ये वाली राइड डेफिनेटली कीजिएगा, वाइल्ड वैली बहुत ही मज़ा एपिक। हाँ ऊपर से इफेक्ट है, पानी का स्प्रे करते हैं, लगता है कि आप नदी के अंदर सच में तैर रहे हो, अमेजिंग। एक राइड ये है वाइल्ड बोट्स, कीड़ी राइड है ये, नीचे बहुत ही बड़ा सा आइस स्केटिंग रिंक, और इसके ऊपर के फ्लोर्स पे काफ़ी सारे और एक्टिविटीज़ हैं। ऊपर वो छोटी सी मोनोरेल क्यूट सी जा रही है, चलिए उसमें बैठ के देखते हैं कितनी लाइन है, कितना टाइम लग रहा है, बट लुक्स फन। अभी हम लोग जा रहे हैं 3D डेस्पेराडोज, एक राइड है, चश्मा दे रही है, 3D का चश्मा पहन के अंदर कुछ तो शो देखना है, कोरियन समझेंगे हम लोग। ऐसे घोड़े बने हुए, घोड़े पे बैठ के गोली चलानी है। राइड के अलावा यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस भी है जो हो रही है। एक ये राइड है टाइनी माइनी बच्चों के लिए, चिके जाना है टाइनी माइनी बच्चों के लिए राइड में, किड स्टोरी है ये, इंटरेक्टिव मीडिया हॉल। इस राइड का नाम है फ्लाई वेंचर और बोर्डिंग गेट है और नीचे, चलिए देखते हैं क्या कराते हैं फ्लाई वेंचर में। ये एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे लाइन में खड़ा कर दिया ना, बेटर होगा कि ये राइड अच्छी हो, अदरवाइज धोखा देगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना जी। इस राइड की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं माइक ऑन करना ही भूल गया, इसलिए जो वहाँ पे रिकॉर्ड किया वो तो कुछ आया नहीं, इसलिए मैं अभी वापस से रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था इस राइड को लेके। लिटरली बोलूँ तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, इतना ही ख़तरनाक राइड थी, टोटली पैर हवा में और ऐसा लग रहा था कि फ्लोट करें किसी दूसरी दुनिया में, अद्भुत था, टोटली अद्भुत। और चिक्की का ओपिनियन था जब हम लोग लाइन में लगे थे, क्यों हम लोग आए हैं, जब लोग राइड करके बाहर आए तो चिक्की का ओपिनियन था एक बार फिर से चलते हैं इसी राइड पे, भले एक घंटा लगे तो लगे। कोरिया में कोरियन आइसक्रीम खा रही है चिक्की, 4,500 वॉन की है क्या सी, मैंगो जैसी गुट्टू नो। अभी हम लोग आ गए पार्क के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे, जहाँ पर बलून राइड है, ऐसे हॉट एयर बलून टाइप की चीज़ है जिसके ऊपर बैठ के पूरा पार्क का एक राउंड ले सकते हैं। वेटिंग टाइम फिलहाल है एक घंटा। परवर्स फ्यूरी रोलर कोस्टर्स में बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है, तो 70-80 मिनट की, मुझे वैसे भी रोलर कोस्टर करने नहीं होते बट इसमें तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लंबा लाइन है, मैंने उन लोगों का जो लोग रोलर कोस्टर के लिए इतना टाइम देते हैं, मैं तो बलून के लिए भी हार मान गया, 60 मिनट की लंबी लाइन कौन लगाएगा यार। नीचे मोनोरेल मैंने चेक किया था, उस समय थोड़ा सा कम टाइम लग रहा था। पाँच मिनट की वेटिंग के बाद 5 मिनट का मोनो रेल राइड हो गया, पूरे पार्क के चारों तरफ घुमाते हैं, जिसके लिए बलून एक घंटा लगा रहा था, इट वाज डिसेंट, अंदर गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि पैक था पूरा। सेकंड फ्लोर पे काफ़ी बड़ा सा फूड कोर्ट है, अगर आप कोरियन नॉन वेजिटेरियन फूड ट्राई करना चाहते हैं खा सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके खाने के लिए। इंडोर थीम पार्क देखने के बाद बारी है बाहर मैजिक आइलैंड में जाने की,
मैजिक आइलैंड बेसिकली आउटडोर थीम पार्क है लॉटे बर्ड का ही। उम्मीद करता हूँ बारिश बंद हो गई होगी, बंद हो गई होगी तो आपको दिखा पाऊँगा, अदरवाइज तो क्या ही दिखा पाऊँगा। इट्स वेरी विंडी एंड वेरी कोल्ड। ये है ब्रिज जो कि कनेक्ट कर रहा है इंडोर पार्क को आउटडोर पार्क से, मैजिक आइलैंड से, और ये बिल्डिंग है लॉटे बर्ड की। एक्चुअली जब बाहर बारिश हो रही होती है तो लोग राइड्स बंद कर देते हैं, तभी ये आउटडोर राइड्स बंद हैं फिलहाल, बारिश हो रही है हल्की हल्की, बट आपको जनरली फील दे देता हूँ कि कैसा है वहाँ का ये वाला हिस्सा मैजिक आइलैंड। सामने एक कासल है, डिज्नी से इंस्पायर्ड लगता है मुझे। और ये बिल्डिंग है लॉटे टावर की, जिसमें सोल स्काई हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक सोल का, दुनिया में भी शायद पाँचवें छठवें नंबर पर। अभी पीछे जो मैजिक आइलैंड है, बारिश की वजह से सारे राइड्स बंद हैं, इसमें बाहर का नहीं दिखा पाया, पर जगह बहुत बढ़िया है। आपको पूरा लॉटे वॉटे इन्जॉय करना तो पूरा दिन रखना चाहिए, अगर बारिश नहीं होगी तो आपको बाहर भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। अंदर तो कुछ राइड्स आपको दिखाई मैंने, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बारिश होने की वजह से एक चीज़ अच्छा रहा, एक फोटो स्पॉट है जहाँ एक एक घंटे की लाइन होती है, अभी कोई भी नहीं था, फटाफट से काफ़ी सारी पिक्चर्स खींची। अगर आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मिस मत कीजिएगा। सोल स्काई है लॉटे वर्ल्ड मॉल में, लॉटे वर्ल्ड से निकल के हम लोग जा रहे हैं लॉटे वर्ल्ड मॉल की तरफ। अंडरग्राउंड सिटी में लॉटे वर्ल्ड के पास चिकन एरिया है, वॉफल चॉकलेट के साथ 2000 वॉन यानी कि लगभग 125 रुपये है। कैसा चिक्की? चिक्की का हम सब बंदा अच्छा ही होता है। चिक्की को देख के मुझे भी मन किया कि मैं भी वॉफल खा लूँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला मैंने लिया, चिक्की ने चॉकलेट लिया था, काफ़ी अच्छा यार, मतलब टोटली वैल्यू फॉर मनी। भूख लगी, ट्राई कर सकते हैं वॉफल। ये लॉटे वर्ल्ड मॉल का एंट्रेंस, जो पीछे लॉटे वर्ल्ड था उसके बाद से ही, और इसी मॉल के अंदर से ही एंट्रेंस है सोल स्काई ऑब्जर्वेटरी का। ये आ गए हम लोग लॉटे बर्ड के अंदर, और अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा गॉर्डन रामसी का, तो ये उनका रेस्टोरेंट है जहाँ लाइन लगी हुई है, हेल्स किचन बहुत ही फेमस है, और इसके अंदर ही है ऑब्जर्वेटरी का एंट्रेंस। तो चलिए चलते हैं ऊपर ऑब्जर्वेटरी में। यहाँ पे पीछे इंफॉर्मेशन डेस्क पे जो लेडी बैठी थी उनको अंग्रेजी आ रही थी थैंकफुली, उनसे पूछा मैंने किधर जाना तो उन्होंने बताया। आज बारिश हो रही है तो शायद इसकी वजह से भीड़ थोड़ी कम है। मैंने यहाँ का टिकट लिया है 3 लोगों का क्लूक से, तीनों लोगों का टिकट का दाम है 4000 रुपये, और ऐसे QR कोड दिखता है, QR कोड दिखा के आप सीधे इंटर कर सकते हैं, टिकट कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 लोगों की टिकट QR कोड से स्कैन करके हम लोगों का अंदर इंटर। आदमी को ऊपर जाने के लिए पहले नीचे जाना पड़ता है, लाइफ की फिलॉसफी है ये, तो अभी हम लोग फिलहाल नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर जाएंगे 123rd फ्लोर तक। यहाँ पे थोड़ी सी क्यू है, शीशा लगा रखा था कि क्यू लंबी लगे ऐसा क्यों क्या मुझे नहीं पता। तो देखिए उधर शीशा है, सामने भी शीशा है, मिरर खेल रहे हैं। 15 मिनट सभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं खड़े होकर, इसी जगह पे हिले भी नहीं है। आई डोंट नो कितनी लिफ्ट है, कितने लोग एक साथ एक बार में जा सकते हैं, भगवान ही जानता है। ऊपर पहुँच के बताता हूँ, ऊपर मतलब 123rd फ्लोर पर, कि क्या सीन था, कितना टाइम क्यों लगा। चिक्के और मुझे फांसी पान माउंटेन की याद आ गई, जब हम लोग लाइन में लगे थे वियतनाम में, एक बंच से निकलते दूसरे बंच में पहुंच जाते हैं क्यू में। जब हमने टिकट स्कैन किया था तब से एलिवेटर तक पहुंचने में 1 घंटे ज़्यादा समय लगा। आज है वीकेंड, वीकेंड हो सके तो अवॉइड ही कीजिए अगर आप सोल घूमने आने वाले हैं तो, वीकडेज का आई एम श्योर इससे कम्प्लीट होगी। मैंने कुछ कोरियन में इंस्ट्रक्शन दिया।
एक घंटे की वेटिंग के बाद हम लोग पहुँचे हैं। कुछ 15 सेकंड की ये लिफ्ट की राइड थी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन 117वें फ्लोर पे, और यहाँ से नज़ारे हैं ऑसम, मज़ा आ गया, टोटली वर्थ द वेट एंड द मनी। पूरे सोल सीटी का 360 डिग्री व्यूज है, डेफिनेटली मस्ट विजिट स्पॉट। अगर कोई जिगरे वाला है तो स्काई ब्रिज भी है, दो टावर्स के बीच में स्काई स्क्रेपर पे टावर एक्टिविटी, 11 मीटर लंबा ब्रिज है जिसके ऊपर आप चल के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं। इसका टूर है वो है 96,000 वॉन, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये बोले तो लगभग 6,500 रुपये। 118 फ्लोर से नीचे देखिए, थोड़ा डर तो लगता है भाई, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है ये 118 फ्लोर पे। इस टावर का शायद सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही होगा ग्लास फ्लोर, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत ही थ्रिलिंग जगह है। यहाँ पे बैठोगे खड़े होगे तो थोड़ी सी धक धक होगी। ये ग्लास फ्लोर सिर्फ एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ है 118 फ्लोर पे, और जिस साइड से भी देखिए आप व्यूज़ ही व्यूज़, अमेजिंग व्यूज़। यहाँ पे देखा कि 6,610 किलोमीटर की दूरी पे मॉस्को यहाँ से दिखाई देगा, आपको दिख रहा है क्या? ये नीचे ओपन एयर स्काई टेरेस, अभी खुला नहीं है, बारिश की वजह से बंद रहता है, अगर मौसम ख़राब होगा तो ये बंद रहेगा, तो फिलहाल अभी बंद है, बट अदरवाइज अंदर से आप जो भी देखना है देख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी चिक्के से पूछते हैं कि कैसा लगा उनको सोल स्काई। अच्छा था, नीचे तो काफ़ी थकी हुई थी, बट वर्थ इट था बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक सो प्रिटी, द व्यूज लाइक एवरीथिंग, एंड आल्सो गॉट दिस टॉय। और नीचे शीशे पे जो चलने वाला था, या दैट वाज आल्सो गुड ग्लास फ्लोर, बट मेरा दिमाग बोल रहा था कि वो टूटेगा 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 पर टूटता नहीं है, बहुत लाखों लोग उसके ऊपर चल चुके हैं, सेफ है, थोड़ा डर जरूर लगता है बट काफी थ्रिलिंग और काफी मजेदार है। हम लोगों को लॉटी पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, आप लोगों को कैसा लगा लाइक करके शेयर करके कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगला वीडियो लेके आऊँगा वो भी सोल से होगा, अभी हम लोग कुछ और एक्टिविटी करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो पे, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप लोगों से अगले वीडियो में मिलता हूँ, जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, हैव फन।